नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। निपुण भारत अभियान को धरातल क्रियान्वयन के लिए यह प्रशिक्षण है। विद्यालय में पहुंचकर इस अभियान की हम सबकी जिम्मेदारी है। निश्चित रूप से प्रशिक्षण के दौरान जो उत्साह दिखाया, इसी उद्देश्य से आप विद्यालय में लगनशील रहें, शैक्षिक गुणवत्ताएं जरूर निपुण होंगी। फतेहपुर चौरासी क्षेत्र के ब्लॉक संसाधन केंद्र हाफिजाबाद में निपुण भारत अभियान के तहत आयोजित 4 दिवसीय प्रशिक्षण के चतुर्थ चरण में समापन में प्रतिभागियों से खंड शिक्षा अधिकारी मनेंद्र कुमार ने कही। उन्होंने कहा कि जैसे पूर्व से ही शिक्षण कार्य कर रहे हैं, वैसे ही प्रशिक्षण में सीखे गए हुनर का उपयोग भी अब विद्यालय में करना है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की तरफ से ब्लॉक में मेंटर उमा प्रसाद पटेल एवं डायट प्रवक्ता शारदा सचान ने चल रहे प्रशिक्षण एवं व्यवस्थाओं का अवलोकन किया और प्रशिक्षण की सराहना भी की। आज प्रशिक्षण के अंतिम दिवस में जनपद के SRG डॉक्टर रचना सिंह एवं अखिलेश शुक्ला ने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अध्यापकों से फीडबैक लिया एवं उनका उत्साहवर्धन भी किया। संदर्भदाता ARP श्यामेंद्र सिंह ने बताया कि संस्थान की ओर से प्रवक्ता रामबच्चन मिश्रा ने भी निरीक्षण कर सराहना की। प्रशिक्षण के दौरान ARP राजेश यादव, शैलेंद्र सिंह, श्यामेंद्र सिंह, अजीत कुमार द्विवेदी व उपेंद्र कन्नौजिया के द्वारा विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों, नवाचारों व आधुनिक तकनीकों के माध्यम से छात्रों के भाषा एवं गणित की बुनियादी समझ विकसित करने हेतु तरीके बताए गए। प्रशिक्षण में विकासखंड के सैकड़ों शिक्षकों व शिक्षा मित्रों ने प्रतिभाग किया व निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों को पूरा करने का संकल्प लिया। निपुण भारत मिशन के तहत ब्लॉक संसाधन केंद्र में आयोजित प्रशिक्षण में अब तक कुल 400 शिक्षक व शिक्षा मित्रों ने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है। प्रतिभागियों द्वारा यहां मिलने वाली सुविधाओं की सराहना की गई। शिक्षक संघ अध्यक्ष कयामुद्दीन खान, कुलदीप विमल, पीयूष त्रिवेदी, अरुणकांत दुबे, गौतमी निशा रानी, अंकित पटेल, अमिता आदि शिक्षकों ने प्रतिभाग किया।